Assalamualaikum. This is Mr. Zubair Noor. This is Mohammad Rizwan. Welcome back to our YouTube channel. तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास. आज जो हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने वाले हैं, उस वीडियो का नाम है Emerging India. सिनेमेटिक वीडियो है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए. चेकआउट करते हैं. अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को तो दबा दिएगा. लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगे, सही है, तो अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इसको भी शेयर ज़रूर कीजिएगा. तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, अपने टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं. जो रात की ये फीलिंग होती है वो बड़ी बेहतरीन होती है यार. और एक सुबह का नजारा, सुबह तकरीबन 6-6:30 बजे और मगरिब के बाद दोबारा जो नज़ारा है वो अलग ही है. प्यारा लग रहा है यार. ये सिर्फ सिनेमेटिक वीडियो है, ड्रोन में नहीं है मेरे ख्याल से. ड्रोन को भी शायद सिनेमेटिक में बनाया गया है. ड्रोन होगा मेरे ख्याल में. ड्रोन का ड्रोन में ही है. इसको ड्रोन के साथ एडिट करके सिनेमेटिक में बनाया गया इसको. उससे प्यारा लग रहा है यार. मेरे ख्याल से बजरंग बली का एक स्टेचू है शायद. विराट कोहली, एम एस धोनी. कैप्टन में तो मैं एम एस धोनी से ऊपर किसी को मानते ही नहीं. जबरदस्त कैप्टन. बैट्समैन में मानते हैं कि यार पाकिस्तान में बाबर जैसा कोई बैट्समैन आया नहीं है, लेकिन अभी वो नया है. सही है, बाबर तो किंग बन चुका है. सही है ना? विराट कोहली कोहली है. नहीं, बाबर नहीं, सॉरी, मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूँ. विराट कोहली किंग है, बाबर नया है. नहीं, बाबर के पास चले गए, लेकिन है विराट कोहली नंबर वन किंग है. मैं ये कह रहा था, मेरे कहने का मतलब ये है कि विराट, बाबर जो है वो नया आया है. सही, अभी नया है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन वही है. हाँ, ये आप बोल सकते हो. लेकिन जो है वो विराट कोहली. मैंने गलती से बाबर का नाम ले लिया था. मैंने ये दोनों मेरे सबसे फेवरेट है. एक और भी तो है, हिटमैन रोहित शर्मा. उसको तो भूल गए. वो तो चीन इंडिया का सारा से उस्ताद को रिजवान भाई. यार ऐसा दिल नहीं कर रहा कि यार अभी चला जाऊं इंडिया देखने के लिए यार. अल्लाह कबूल करे. नहीं तो इंशाल्लाह मैं अगर जिंदगी रही तो मैं जाऊंगा जरूर. तो बड़ा शौक है इंडिया में जाने का. इसको सपोर्ट बनाने का कि यार ये कौन सी जगह जुबेर में पता नहीं, लेकिन ये भी लिखा है. नहीं नहीं नहीं, ये पुणे है. अच्छा हाँ, लिखा हुआ तो आ रहा है यहाँ पे. थोड़ा उन्होंने ये फिट में नहीं था, ये थोड़ा ये वो हो गया था. ये पुणे है. पुणे भी बोलते हैं. फर्स्ट वीडियो बनाए थे उसको पुणे तीसरे नंबर पे था, तीसरे या दूसरे पे था मेरे ख्याल से. नंबर वन ये बेंगलोर है. ये बेंगलोर है. ये यूपी सिटी है. उत्तर प्रदेश नहीं, यूपी तो कौन मतलब यूपी सिटी नहीं. यूपी का मतलब तो उत्तर प्रदेश है. बेंगलोर है. बेंगलोर है. अकुल अहमद. गुल अहमद जगह एक ब्रांड है. चेन्नई, कोलकाता. इसको कोलकाता में बोलते हैं. इसको कोलकाता मेरे हिसाब से ये क्या उसको क्या बोलते हैं, बांग्लादेश ही मेरे ख्याल से. नहीं, बांग्लादेश तो अलग है कोलकाता से. मतलब एक ही है ये दोनों.
सब बंगाली है, बॉर्डर का फासला है बस। मेरे हिसाब से शायद हो सकता है बॉर्डर भी ना हो, एक ही है। तो यहाँ पे मछली वछली का बहुत सारा वो भी है, मछलियों का। अच्छा, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू था, ये स्टैचू है, ये मैंने देखा था। गांधी जी का नहीं, नहीं ये मेरे ख्याल से गांधी जी का नहीं है, ये दूसरा कोई भी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। चलो भाई, इमर्जिंग इंडिया ये बेहतरीन वीडियो बनाई है मेरा, ये पहले ड्रोन के जरिए वीडियो जो है वो वीडियो बनाई गई थी, उसके बाद इसको फिर सिनेमेटिक में इसको चेंज किया गया, लेकिन बहुत जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त वीडियो बना, बहुत दिलकश नज़ारा जिसको बोलते हैं ना, वही वाला सीन था। हमने इससे पहले ऐसी वीडियो बहुत कम देखी है, हमें नहीं पता था कि ऐसा है, लेकिन आई थिंक अभी पता चल रहा है कि इंडिया वाकई में है। नहीं मैंने तो नहीं, मैंने इससे पहले मैंने ये जब मैं वीडियो देखता था ना, ये क्या नाम था उनका, जिनके भी क्लेश भी एक दो साल पहले क्लेश भी हुई थी ये टेक्निकल गुरुजी के साथ, क्या नाम है टेक्निकल सागर, उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है वो गाँव में बसता है। सही है, लेकिन वीडियो देख के मेरे को लग नहीं रहा कि गांव है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे हैं, पूरे पंजाब में आप लाहौर देख लो, उसके बाद जैसे गुजरांवाला है, ऐसे जो है वो कुछ शहर हैं, सिर्फ उसके बाद ज्यादातर गांव देहाती हैं, वहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन वीडियो में जिस हिसाब से हमें एक नजर आया ना, एक लगा है कि यार लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है अमेरिका में। सबसे पहले तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क है अमेरिका, ऐसा लगा ऐसा मेरे को। बाकी जबरदस्त वीडियो में एक दफ़ा अगर अल्लाह ने जिंदगी इंशाल्लाह मैं ज़रूर मैं इंडिया में जाके इंडिया को एक्सप्लोर करूँगा, मेरे को बड़ी एक बेचैनी है, दिल ख्वाहिश है, दिल चाहते हैं। हाँ मैं जाऊँगा जरूर यार। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी ना, द वाइट साइड जो है, अभी पाकिस्तानी चैनल है, बड़ी बेहतरीन एक सियासत मतलब पॉलिटिक्स के ऊपर ना बात करते हैं, मैं सियासत से बात नहीं, पूरी बात ही सियासत उनकी सही, लेकिन बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं द वाइट साइड। फिर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी यार, उसमें एक ऐसी बेहतरीन बात की थी उन्होंने, कहा था कि अगर पाकिस्तान और इंडिया सही है, दोनों के जो रिलेशन है ना वो थोड़े भी सही नहीं, क्योंकि हमें पॉलिटिशन ने ऐसा तकसीम करके रखा, वैसे डिवाइड करके रखा हुआ ना कि जिसके कोई हद नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में, ध्रुव राठी की भी वीडियो देखता हूँ, इंडिया में ही है वो, जैसे दावाई चल रही है यहाँ पे, वहाँ पे भी वही है। सही है, तो उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान अगर जो अपनी जो क्लेश है ना वो ख़त्म करके अगर कारोबार तिजारत सही है, इसके ऊपर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सही है, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, तो पूरी दुनिया जो है वो मतलब कि हमें और ना हमें किसी और कंट्री की ज़रूरत पड़ेगी, ना इंडिया को किसी और कंट्री की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ना इंडिया और पाकिस्तान को बाहर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना पड़ेगा सही है, ना पाकिस्तान को ना इंडिया को, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ अगर ये चीज़ सही कर लेना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को सही, ये दोनों मुल्क इतनी तरक्की करेंगे ना कि जिसकी कोई हद नहीं। अब हमारा सारा पैसा कहाँ ज़ाया हो रहा है सही है, एटॉमिक पावर में सही है, हमारा भी और इंडिया का सही है ना, कि जंग करते रहते हैं सही है, वॉर टेरर वॉर ये चीज़ें सही है, इससे क्या फ़ायदा है, किसी का कोई फ़ायदा नहीं है सही है, अगर यहाँ से हुआ तो वहाँ के अवाम है उनकी मौत होगी, और वहाँ से करेंगे तो यहाँ होगी, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बेहतर यही है कि जुबैर भाई ये क्या हम आपस में लड़ते रहेंगे और जो है ना दूसरे ममालिक आपस में फ़ायदा उठाएंगे, मेन चीज़ जो है जैसे हमसे जो फ़ायदा उठा रहे हैं हमें एटमी हथियार बेच के सही है, उसके जो जो चीज़ें हैं जो मसालेजात वगैरह जिन वो चीज़ें सही है, अब जैसे हमें कोई और मुल्क दे रहा है, इंडिया को कोई और दे रहा है सही है, हमारा सारा जो चीज़ें ना जो सारा जो पैसा है जो आवाम के ऊपर लगने वाला है जो सही है जो मुल्क कौम के ऊपर लगने वाला है वो सारी चीज़ें वो जाती है बाहर सही है, ये इवन सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों की बात कर रहा हूँ मैं सही है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बाहर जाती हैं, इससे फ़ायदा उनको हो रहा है हमें कुछ नहीं हो रहा, हमें हमारा नुकसान ही जा रहा है सही है, इसमें हमारे नुकसान है, कोई हमारा कोई फ़ायदा है नहीं इस चीज़ पे, लेकिन ये बात पता नहीं हमारे दिमाग में कब समझ में आएगी कि यार ये जंग जो है वो हल नहीं है इन सब चीज़ों का, फिर टेबल में बैठते हैं सही है, टॉक करते हैं टेबल टॉक करते हैं सही है, सारी चीज़ों को सबको एक साथ लेके चलें
ज़्यादा बेहतर है इसके बारे में। अब पॉलिटिशियन जो है वो तो हमें एक दूसरे से मिलने तो दे नहीं रहे, सही है। तो इस चीज़ से जो है वो कहेंगे पॉलिटिशियन से ज़्यादा न्यूज़ एंकर का हाथ होता है यार इसमें। यार पॉलिटिशियन तो इतना कुछ कहते नहीं है, सही है। सारी जो नफरतें फैलाने वाले ना वो यहाँ की न्यूज़ मीडिया को देख लें, न्यूज़ चैनल को देख लें या वहाँ के देख लें। ये जुबेर भाई, ये फसाद फैलाने में, लोगों के दिमाग को कचरा करने में नंबर वन है न्यूज़ एंकर। ये जितने भी हैं सब के सब एक ही तरह, सब ऐसे हैं। तो इसी वजह से हमारा जहन ख़राब होता है, फला मुल्क के फला ने ऐसा किया, फला मुल्क के फला बनने ये वो फला। तो इस चीज़ को अब क्या है कि अब हमें ख़त्म करनी है, सही है। अब हम भी वीडियो बना रहे हैं, इसके थ्रू हम आपको एक मैसेज दे रहे हैं, सही है। जो अगर आप इंडिया से हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताएगा कि आप भी हमारे जैसे ही सोच सकते हैं कि यार नफरतें हमें नहीं फैलानी है, सही है। हमें एक दूसरे से प्यार करना है, सही है। प्यार से हमें पेश आना है, सही है। अड़ोस पड़ोस में हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं या दोस्त अहबाब हैं या जो हमसाए हैं, पड़ोसी हैं, नेबर हैं, सही है, उनके साथ मिलजुल कर रहना, सही, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उनकी मदद करना, सही है। ये चीज़ें हम भी इसको आहिस्ता आहिस्ता वो कर रहे हैं, आप भी उसको आहिस्ता आहिस्ता वो कीजिए। और पाकिस्तान के ये जो आपके दिल में नफरतें अगर हैं, वैसे मेरे ख्याल से तो नहीं होंगे, लेकिन अगर हैं तो प्लीज़ उसको ख़त्म कीजिए, सही है। हम भी आपसे कोई नफरत नहीं करते, सही है। ये तो बस ये कुछ लोग हैं, सही है, जो नफरतें फैला रहे हैं, सही है। इसको आप भी ख़त्म कीजिए, हम भी ख़त्म करते हैं, सही। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर दिया है, सही है, क्योंकि हमें ये चीज़ समझ में आ चुकी है, सही है। जो पढ़े लिखे जो कम तालीम याफ्ता हैं ना, उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज इतनी नहीं है, सही है ना। और जो हमारे जो पॉलिटिशियन है वो चाहते ही यही है कि आपस में लड़े, आपस में लड़े, सही है, नफरतें पैदा हो, सही है, तालीम से दूर रखें। तो इमरान खान का क्या सीन था, इमरान खान ने सबसे पहले आते साथ क्या कहा कि भाई तालीम हर बच्चों का फ्यूचर है, उनको तालीम देना ज़रूरी है, सही है। लेकिन हमारे जो यहाँ के सिन में देखें जरदारी साहब, ये क्या करते हैं कि सबको तालीम से दूर रखते हैं, सही है, क्योंकि इनका वोट बैंक बनता जा रहा है, सही है। और इमरान खान क्या कहते हैं कि भाई तालीम दोगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, exactly. सही ना। इस चीज़ को लेके आप तालीम पे भी फोकस कीजिए, हम भी फोकस कर रहे हैं, सही है। और जो इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, सही है। तो वीडियो मेरे ख्याल से लंबी हो चुकी है, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ इससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो, हमारी जो बातें हैं अगर आपको वो अच्छी लगी हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन नीचे उसमें आप वहाँ आप अपने जो ख्यालात हैं, जो थॉट है वो आप वहाँ पे लिख के हमें भेज सकते हैं, सही है। अगर भेज सकते हैं और हम इसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे, सही है। तो इस वीडियो की जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सही है। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, इनके चैनल को भी आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं, इनके चैनल में और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। भाईजान सब्सक्राइबर मिलेगा, सब्सक्राइबर।